मुरादाबाद में भाजपा विधायक को इंटरनेशनल कॉल पर मिली जान से मारने की धमकी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष अपनी आपत्तिजनक हरकतों की वजह से मीडिया की सुर्खियां बनते रहे। अब शहर विधायक रितेश गुप्ता को इंटरनेशनल कॉल द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। जब नगर विधायक रितेश गुप्ता द्वारा पुलिस को यह सूचना दी गई कि उन्हें इंटरनेशनल कॉल के माध्यम से किसी ने उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है और प्रधानमंत्री को भी अपशब्द कहे गए हैं, फोन कॉल से बीजेपी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। तुरंत इंटरनेशनल कॉल आने की जानकारी नगर विधायक रितेश गुप्ता ने गल शहीद थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी को कॉल की जानकारी दी, जिस पर कार्यवाही करते हुए एसएसपी ने नंबर को सर्विलांस पर लगाया तो पता चला वह नंबर पाकिस्तान का है। पुलिस उस नंबर के बारे में और तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चलें कि पहले भी इस तरह के इंटरनेशनल कॉल के माध्यम से भाजपा नेताओं को धमकी भरे फोन आ चुके हैं। वही इस मामले में एसपी सिटी अमीन आनंद द्वारा मामले को संज्ञान लेते हुए कहा गया कि नगर विधायक द्वारा गलशहीद थाने में दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। क्या है पूरा मतलब क्या मामला था जो आपने तहरीर में किया? कल सुबह लगभग 11:30 बजे के करीब एक इंटरनेशनल कॉल के द्वारा वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल से जान से मारने की धमकी दी गई। उसने स्पष्ट कहा कि आपको और आपके परिवार को हम लोग जान से मार देंगे और गाली गलौज की। माननीय देश के प्रधानमंत्री यादव ने, मोदी जी के लिए भी उसने शब्दों का प्रयोग किया। उसके तुरंत बाद मैंने मुरादाबाद एसएसपी की प्रभाकर चौधरी को इन्फॉर्म किया और जो भी मैसेज और जिस नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था उसे आपको मैंने दिया। उन्होंने उसको सर्विलांस पर लगाया है वो नंबर, और जैसे कि ये ज्ञात हुआ है कि वो नंबर पाकिस्तान का नंबर है, पाकिस्तान से वो व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी गई है। उसकी तहरीर मैंने थाना गलशहीद में दे दी है और वो मुकदमा वहाँ लिखवा दिया गया। अच्छा, क्या मतलब क्या कह रहा था? मतलब जान से मारने की धमकी दे रहा था या उसके अलावा भी उसने कुछ? ये जान से मारने की धमकी दी उसने, उसने कहा भी, मेरी उससे लगभग 1 मिनट बाद भी हुई। उसने कहा कि तुम भाजपा के विधायक हो और तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी और वार्निंग दी जा रही है। माननीय मोदी जी को भी मारने की धमकी इसके द्वारा दी गई। इससे पहले आपको पहले भी धमकी दी? इससे पहले भी धमकी मेरे को मिली थी, उसकी भी FIR लिखाई गई थी, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो पाया था। उस समय SSP थे जे रविंद्र गौल साहब, उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी थी। अब भी मैंने सुरक्षा की बढ़ाने की मांग SSP साहब से की। नगर विधायक जी ने बताया कि उनको एक फ़ोन कॉल आया था जिसमें उनकी उनके परिवार को धमकी दी गई, प्रधानमंत्री जी के ये भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इस संबंध में उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधि कार्रवाई की जा रही है।